हेलो दोस्तों, ममता डिजाइनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखिए, मैंने आगे का पार्ट कटिंग करके रख लिया है। मैं इसमें टक्स का निशान लगाना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। जो नए लोग होते हैं उन पर टक्स का निशान लगाने में गलती हो जाती है, तो मैं इसमें बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ आज टक्स का निशान लगाना। तो ये देखिए, अपने दो पार्ट है, इसको अपन ऐसे साइड में रख देते हैं एक को, और देखिए एक भाग ले लेते हैं। अब अपन को कुछ नहीं करना, ये गले का साइड है, ये आर्मोल की साइड है। अब गले के नीचे जो बचा हुआ है उसमें अपन को ऐसे डबल कर लेना है, देखिए ऐसे, और नाखून से दबाना है। अब डबल करने के बाद अपन को ऐसे 2.5 इंच लेना है। मैंने ये 2.5 इंच ले लिया है, ये देखिए, और इसको ऐसे बीचों बीच खींच देना है। अब 2.5 इंच लेने के बाद यहाँ से ऐसे 3.5 लेना है, ये देखिए 3.5 ले लिया है मैंने। अब 3.5 लेने के बाद ये जो मेन पॉइंट है अपना, वो 9 इंच पे लेंगे। ये देखिए 9 इंच पे मेन पॉइंट ले लिया है मैंने, यहाँ पे ये मेन पॉइंट हो गया अपना। अब अपन देखिए, कुछ नहीं करना है अपन को, निशान ऐसे नहीं लगाना, ऐसे 2-2 करके निशान नहीं लगाना है अपन को, ऐसे कुछ नहीं करना। देखिए, एक मार्क करेंगे अपन, एक हल्का सा गोला बनाएंगे अंदाजे से, ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है, ज़्यादा छोटा भी नहीं बनाना है। ये देखिए ऐसे ऐसे मैंने गोला बना लिया है। अब देखिए, इसको ऐसे नीचे की तरफ खींच देंगे, ये देखिए यहाँ पे 1.5 इंच छोड़ के, ये देखिए मैंने 1.5 इंच छोड़ दिया है ऐसे, आप अंदाजे से भी ले सकते हो। इसको यहाँ से ऐसे खींच दिया है, देखिए ये देखिए, और यहाँ से थोड़ा सा छोड़ के और इसको ऐसे ऊपर की साइड खींचना, ये देखिए। अब आप ऐसे मार्क करके भी देख सकते हो कि 2-2 इंच का फर्क आना चाहिए इन दोनों सेवन के बीच, तो देखिए 2-2 इंच का फर्क आ गया। आप ऐसे मार्क करके भी देख सकते हो, ये देखिए। तो आप ऐसे इस तरीके से भी टक्स का निशान लगा सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है ये, इसमें कुछ नहीं करना। अब देखिए, इसको हल्के हाथ से ऐसे किया और दूसरे भाग में भी ऐसे छाप लेना, और अपन इसको गहरा कर लेंगे। ये जो गोला है उससे पता रहेगा अपन को, ये देखिए, देखिए कितना बढ़िया निशान लगे हैं। ठीक है दोस्तों,